डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज नंबर 5 हम कर रहे हैं और उसके हमने फर्स्ट 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 12 से 15 तक क्वेश्चन जो है ना वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि इफ़ अ ब्लॉक वेज 5 स्क्वायर kg, एक ब्लॉक है उसका वेट है 5 स्क्वायर, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ अ वॉल बिल्ट विद 5 raised to 4 सच ब्लॉक्स। एक ब्लॉक का वेट 5 स्क्वायर है और उसके दीवार बनाई जा रही है और उसका हमने वेट बताना है और उसके अंदर जो ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए हैं वो 5 raised to 4 हैं। तो हमने दीवार का जो वेट है वो बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इनको आपस में एक ब्लॉक के वेट को नंबर ऑफ ब्लॉक से मल्टीप्लाई करवा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेट ऑफ वन ब्लॉक है 5 स्क्वायर kg, तो वो 25 kg बन जाएंगे। वेट ऑफ 5 raised to 4 ब्लॉक्स, उसके लिए 5 स्क्वायर को 5 4 से मल्टीप्लाई 5 raised to 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 5 raised to 4 है तो ये 625 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15625 kg, ये जो वेट ऑफ ब्लॉक आ जाएगा 5 raised to 4 या वेट ऑफ वॉल आ जाएगा, हमारे पास वॉल का वेट आ जाएगा। तो क्या करना है, एक ब्लॉक के वेट को नंबर ऑफ ब्लॉक से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह का सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वो आप लोग सॉल्व खुद करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा हुआ है कलेक्टर डिवाइडेड 48 बीड्स इक्वली इनटू डिफरेंट कंटेनर्स। इफ देयर आर 4 स्क्वायर कंटेनर्स, हाउ मेनी बीड्स आर कंटेन्ड इन ईच कंटेनर। 48 बीड्स हैं, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवाना है और कंटेनर है 4 स्क्वायर। हाउ मैनी बीड्स आर कंटेन इन ईच कंटेनर, हर एक कंटेनर में कितने बीड्स होंगे वो हमने बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ बीड्स को नंबर ऑफ़ कंटेनर से डिवाइड करवा देंगे। नंबर ऑफ़ बीड्स हैं हमारे पास 48 और नंबर ऑफ़ कंटेनर्स हैं हमारे पास 4 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल बीड्स हैं 48, नंबर ऑफ़ कंटेनर्स हैं हमारे पास 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16 के इक्वल हो गया नंबर ऑफ़ बीड्स इन ईच कंटेनर, ये हमने बताना है। उसके लिए क्या करेंगे, 48 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। 3 बीड्स जो है ना वो ईच कंटेनर के अंदर होंगी। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है, तो वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और उसके बाद अब हम MCQs करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ x^2 एंड x^5। प्रोडक्ट लेना है तो फिर पावर्स को प्लस करेंगे तो 2 और 5 प्लस होके तो x^7 आ जाएगी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है क्या बनती है। 12 की पावर 12 है, 12 की पावर 10 है, दोनों प्लस करेंगे तो 22 हो जाएंगी पावर 12 की। फिर 22 में से 8 को माइनस कर देंगे क्योंकि डिवाइड है तो माइनस करेंगे, पहले प्लस कर लिए फिर माइनस करेंगे, तो 22 में से 8 को माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, 12 की पावर 14 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1, जिसकी पावर 0 होगी उसका आंसर 1 आएगा, तो 132 की पावर 0 है तो इसका आंसर 1। व्हाट इज़ द स्केयर ऑफ, -5/8 का स्केयर लेना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है तो मल्टीप्लाई करवाने से 25/64 आ जाएगा। स्केयर जब लेते हैं तो प्लस में आंसर आता है। विच आर द फॉलोइंग इज इक्वल टू 2/3, 8 और 12 की कटिंग करेंगे तो 2/3 आ जाएगा 4 के टेबल से। द वैल्यू ऑफ 2 raised to 2 और फिर उसकी पावर 2, 2 2 2 4, 2 की पावर 4 बनेगा और 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है। सिंप्लीफाई 127/125, ये इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 3 की पावर 5, नीचे वाले की करेंगे 5 की पावर 3, ऊपर वाले की 3 की पावर 3, नीचे वाले की 5 की पावर 3, 3 दोनों का जो 3 की पावर 3 है उससे भी 1/3 मल्टीप्लाई होगा और नीचे 5 की पावर 3 से भी 1/3 मल्टीप्लाई होगा, तो बाकी रह जाएगा 3 और ऊपर कटिंग हो जाएगी, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 3 3 और कैंसिल होंगे तो 3/5 जो है वो बाकी रह जाएगा। -2x^0 है तो -2x^0 है तो 1 आ जाएगा, आगे प्लस, आगे -2x^ सारे की पावर 0 है तो वहाँ पे 1 आ गया। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 + 1, -2 + 1 प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम की लामत आ जाएगी, 2 में से 1 निकालेंगे 1 और 7 -1 माइनस आ जाएगा, तो -1 ये हमारा आंसर आ गया। तो ये MCQ हमारे ओके सॉल्व। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की डायरी होगी कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 to 15 क्वेश्चन करने हैं, साथ आप लोगों ने MCQs करने हैं और साथ आप लोगों ने टेबल्स लर्न करने हैं 2 to 10 ओरल भी और डाजिंग भी।